नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। बागवानी करने के चार वाजिब तरीके, चार ऐसी टिप्स जिससे बागवानी बहुत अच्छी होगी। आप इन्हें जादुई टिप्स कहें या आप सटीक तरीका कहें, कुछ भी नाम दें, मैं आपको चार ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप छत पर कंटेनर गार्डनिंग या छत पर बागवानी कर सकते हैं। मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि बागवानी के, छत पर बागवानी के चार वाजिब तरीके। वाजिब से मेरा मतलब है कि कुछ लोग ना वाजिब चीज़ें भी बताते हैं। होता क्या है कि जब आप गार्डनिंग चैनल चला रहे हों, चीज़ें सिखा रहे हों और आपका कंटेंट ख़त्म हो जाता है, या आपको लगता है कोई वीडियो नहीं देख रहा, तो कुछ एक कैची सा टाइटल डाल देते हैं, जैसे कि डाल लें एक चम्मच ये चीज़ और पाएँ ढेर सारी सब्जियाँ। तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की बातें, मैं ये नहीं कहती कि फेक होते हैं, लेकिन ये भ्रम होता है एक तरह का। और वो किस तरह होता है, इसी पर मैं आज विस्तार से बात करने वाली हूँ कि वाजिब तरीके क्या हैं चार, जिस तरह से गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह बागवानी के लिए मिट्टी की ज़रूरत है। बेस है मिट्टी। आप गाड़ी में कितने भी डिज़ाइनर गाड़ियाँ बना लें, माइलेज कम कर लें, ज़्यादा कर लें, सुविधाएँ बढ़ा लें, वो अलग बात है। ठीक उसी तरह मिट्टी, बेसिक मिट्टी अच्छी बनाना सीख गए तो गार्डनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो जो जादुई चम्मच से डालने वाली चीज़ें, वो कुछ भी काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ आपको भ्रम ही पैदा करती हैं। वो मिट्टी को थोड़ा अच्छा कर सकती हैं। तो आप एक बार अच्छी मिट्टी पर चर्चा करें और सीख जाएं कि अच्छी मिट्टी क्या होती है, पोषक तत्व क्या होते हैं, कैसी मिट्टी अच्छी होती है। आप बिल्कुल नए हैं अगर, तो मैं मान लेती हूँ कि आप बगल के प्लॉट से मिट्टी लेकर आए हैं। वो मिट्टी जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है और वो गहराई की मिट्टी है, अब वो गहराई की मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते। पोषक तत्व हमेशा मिट्टी की ऊपरी सतह 8-9 इंच पर होते हैं। वो पोषक तत्व क्या होते हैं, जो हमारी घास उगती है, जो जिसमें कभी जीवन रहा है, उसके मरे हुए अवशेष एक एक लेयर दर लेयर उस पर चढ़ जाते हैं। साल दर साल मरी हुई घास, मरे हुए जानवरों के अवशेष, गाय का गोबर या दूसरे किसी भी पक्षी की बीट, वो जो भी जीवन रहा इस धरती पर, वो मर गया वो, या जो जीवित रहा उसने जो मलमूत्र उत्सर्ज किया, उसका यह उत्सर्जित मलमूत्र सब मिलकर एक मल्च की मोटी लेयर बनती है, वही हम उर्वरक होती है, वही मिट्टी को उर्वरक करती है। तो अच्छी मिट्टी के लिए अगर मैं परिभाषा कहूँ या पहचान कहूँ, तो नंबर एक कि उसका भुरभुरा मुलायम होना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी होगी तो किसी भी पौधे की जड़ें नीचे तक, दूर तक आराम से फैल के जाएंगी। जब जड़ें नीचे तक दूर तक जाएंगी तो वो स्वस्थ होंगी और पौधा भी स्वस्थ होगा। जड़ें स्वस्थ होंगी तो पौधा स्वस्थ होगा। इसके अलावा भुरभुरी मिट्टी में सिर्फ जब जड़ें जाएंगी, जड़ें ही नहीं जाएंगी, जड़ों के साथ हवा भी जाती है मिट्टी में अंदर, और वो हवा ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। इसके विपरीत हार्ड पत्थर जैसी मिट्टी, जिसमें न जड़ें जा सकती हैं, न हवा जा सकती है, न जल्दी से पानी जा सकता है, पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम होती है, चिकटा काली हार्ड मिट्टी। तो मिट्टी को मुलायम कैसे बनाएं, उर्वरक कैसे बनाएं। मुलायम बनाना अलग बात है, सॉफ्ट करना अलग बात है, उर्वरक बनाना अलग बात है। यदि आप राजस्थान तरफ रहते हैं जहाँ पीली मिट्टी है, वो पहले ही से सॉफ्ट होती है, तो वो अगर सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसमें अब हमको कुछ नहीं मिलाना और वो संपूर्ण स्वस्थ मिट्टी है। मुलायम होना एक शर्त है, उसका उर्वरक होना दूसरी शर्त है। उर्वरक वही जो मैंने बताया, जो कि जंगल में नेचुरली साल दर साल पत्ते, पक्षियों की बीट, जानवरों की हड्डियाँ और लकड़ियाँ, सड़के, सब कुछ जो जीवन होता है, जो सड़के ऊपर मिट्टी में मिलता है, वही उर्वरक बनाता है। अब आप जो काली मिट्टी ले आए या पीली मिट्टी ले आए, या आपकी मिट्टी सॉफ्ट है तो आप उसमें बस सॉफ्ट करने की समस्या आपकी खत्म हो गई, आपको रेत वगैरह नहीं मिलाना। लेकिन अगर काली है तो आपको उसमें रेत भी मिलाना है साथ में। सिर्फ रेत मिला दें अगर काली मिट्टी में, तो वो और सूख कर पत्थर जैसी हो जाती है और हार्ड हो जाती है।
तो काली मिट्टी में रेत के साथ साथ बहुत सारा सूखे पत्तों का खाद, गार्डन का कचरा, किचन वेस्ट, बकरी की मेमनी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बोन मील, हमारे बचे हुए सड़े हुए सब्जियां, फल, छिलके, सब कुछ। अब जब मैं ये कहती हूँ तो आप लोग ये डर जाते हो कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए आपके घर में, आपके आसपास जो उपलब्ध हो, आप उससे बहुत अच्छे से काम चलता है। जैसे कि मैं छत पे कर रही हूँ, सालों से कर रही हूँ, और आप मेरे पुराने वीडियो सारे देखेंगे, ऐसी बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है। जैसे अभी आप ये आज देखना कितने सारे बैंगन निकले हैं। तो मिट्टी को कैसे उर्वरक बनाए, यदि जैसे मान लीजिए मेरे पास बोन मील नहीं है, या मैं नहीं खरीदती, मैं सच में नहीं खरीदती कभी बोन मील, तो कोई बात नहीं, मैं सूखी लकड़ियाँ, मेरे घर के आगे कटहल का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, इनकी पतली पतली टहनियाँ, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, रोज़ जो झड़ते हैं, मैं उन बोरियों में इकट्ठा करती हूँ, और मैं टाइम टाइम पर आपसे शेयर भी करती हूँ, बताती भी हूँ वो चीज़ सब। सारा मल्च इकट्ठा कर लिया और मिट्टी मिलाकर दबाकर एक बड़े से कंटेनर में रख दिया। उस मिट्टी में इतने सारे पत्ते, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, बारीक लकड़ियाँ, मोटी लकड़ियाँ, उसी में आपने फलों के छिलके एक दूसरी बाल्टी में मैं अलग अलग रखती हूँ, तो उसमें भी मैंने मिट्टी मिलाई, फलों के छिलके की लेयर डाली, सूखे पत्ते डाले, फिर मिट्टी मिलाई, वो सब मिला के अब मैं मार्केट से वर्मी कंपोस्ट ना भी खरीदूँ तो मेरा काम बखूबी बहुत बहुत अच्छे से चलता है। मेरे पास धान की भूसी मुझे फ्री में मिलती है, मेरे अपने निजी सोर्स हैं उससे, तो मैं धान की भूसी बड़ी अच्छी मात्रा में मिलाती हूँ। और ये सब चीज़ें, जो पत्ते हैं, जो धान की भूसी है, बारीक लकड़ियाँ हैं, ये जब सड़ते हैं तो एक मुलायम मिट्टी ही बन जाते हैं। वो चीज़ जो हम इसमें मिला रहे हैं, सब एक दिन मिट्टी ही मिल जाती है, और यही मिट्टी हमें फिर बहुत अच्छी फसल देती है। लेकिन आप बहुत गहराई की मिट्टी ले आते हैं तो वो काम नहीं करती। तो चलिए, आपने मुझसे सीख लिया या मेरी ये बातें सुनकर एक अच्छी सी हेल्दी मिट्टी बना ली, और उस मिट्टी में आपने गोबर की खाद मिला ली। पहली बार जब मिट्टी लाएंगे तो आपको मार्केट से गोबर की खाद खरीदना ही चाहिए, तभी वो एक बार में अच्छी शानदार मिट्टी बन जाएगी। क्योंकि ना तो अभी आपके पास सूखे पत्ते होंगे, अभी आपके पास गार्डन का गार्बेज भी नहीं होगा, और आपकी बिल्कुल नई मिट्टी है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। मैं ये मान लेती हूँ वो गहराई की मिट्टी है, तो आप उसमें एक बार एक बोरी मिट्टी ले रहे हैं तो 2 बोरी मिट्टी में एक बोरी गोबर की खाद मिला दें और उसको मिक्स करके तैयार कर लें। फिर आप उसमें बाद में सब्जी के छिलके भी डालते रहें, सूखे छिलके भी डालते रहें, अगली साल आपको उतनी सारी गोबर की खाद नहीं मिलाना है। वो मिट्टी इस साल आपने पहली साल अच्छी तैयार की थी, अगली साल आप उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद तो मिलाएंगे, लेकिन ज़्यादा से सूखे पत्ते, गार्डन की बेलें निकलेंगी, जो पौधे लगाएंगे वो सूखेंगे, उनको निकाल के आप फिर धीरे धीरे खाद कम करते जाएंगे। साल दर साल आप खाद कम करेंगे और ड्राई मटेरियल, वेट मटेरियल, और कभी कभी आप थोड़ी बहुत खाद भी डाल दें। बिल्कुल खाद बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत कम खाद में। अभी इतने बड़े गार्डन में मैंने 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीदी है मेरे पूरी छत में, तो अब अगर मैं प्रतिशत में बताऊं तो नहीं बता पाऊंगी। फिर मैं क्या करती हूँ कि मिट्टी में जहाँ मैं जब पौध लगा रही हूँ, मान लीजिए बैंगन का पौधा लगाया, तो मेरी तैयार मिट्टी भर दी, उसमें कोई गोबर की खाद नहीं मिलाई, लेकिन उसमें किचन कंपोस्ट है, पत्ते हैं, और मेरी बहुत अच्छी समृद्ध मिट्टी है, तो उसमें गड्ढा किया और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला, उतनी ही जगह पर खाद मिला दी जितनी जगह पर मैं पौधे की रोपाई कर रही हूँ। तो इस तरह टेक्निकली आपको ज्ञान सीखना है। अब कोई आपको एक वीडियो बना के कहता है कि इस पौधे में 1 चम्मच ये वाला पाउडर डाल दो, वो वाला पाउडर डाल दो, जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। आपको उस मिट्टी पे काम करना, आपकी मिट्टी अगर शानदार है तो आप फिर वो चम्मच में बताई चीज़ें भी अगर डाल देंगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उससे कोई नुकसान होना है, लेकिन वो आपका काम नहीं करेगा, आपका काम वो फॉर्मूला करेगा जो आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं पूरी मेहनत से। और जैसे कि बगीचा 1 साल में तैयार नहीं होता, ऐसे मिट्टी भी 1 साल में तैयार नहीं होती। छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो या तो आप रेडी पॉटिंग मिक्स ले लें तो उसमें सब मिला होता है, और अगर आप आसपास के प्लॉट से ला रहे हैं तो पहली बार उसमें सब चीज़ें मिला लें। सब चीज़ों से मेरा मतलब है सब तरह की खाद, अगर परहेज नहीं करते हैं तो बोन मील भी मिला लें, और अगर नहीं मिलाते तो मैंने आज तक अपने छत की मिट्टी में कभी बोन मील नहीं मिलाया गार्डन की मिट्टी में। हाँ, मैं बोनजाई जो मेरे अडेनियम है
उनमें मैं बोन मील मिलाती हूँ केवल एडेनियम में। बाकी मैं ये जो बिना बोन मील के ही मेरी सब्जियाँ आप खूब देख रहे हैं, खूब अच्छी उतरती हैं। फिर दूसरी बार क्या करना है, एक टिप तो ये हो गई कि आपने मिट्टी पे काम किया, दूसरी टिप है सही समय पे रोपाई और सही कंटेनर। आपको जानकारी होना चाहिए कि कितना कौन सी फसल लगा रहे हैं, कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। और छत पर बागवानी में अगर आपको सफल होना है तो छोटे कंटेनर भूल जाओ, कुछ भी लगा रहे हो बड़े बड़े कंटेनर इकट्ठे करो, भले ही कम लगाओ, और अच्छे कंटेनर में अच्छी फर्स्ट क्लास मिट्टी। और उस मिट्टी को जो कंटेनर भर रहे हैं उसका तरीका भी बहुत सही होना चाहिए। आप इसे थर्ड टिप समझ लो या सेकंड टिप का ही एक भाग समझ लो। नीचे एक मोटी लेयर रोड़ ईंट के रोड़े या आपके टूटे हुए गमलों के टुकड़े, उसके बाद आपने जो पौधों की टहनियां हैं, मोटी मोटी लकड़ियां हैं, डाले हैं, जो आप आम की ट्रिमिंग कर रहे हो, जैसे मैं अपने आम की ट्रिमिंग करती हूँ, कटहल की ट्रिमिंग करती हूँ, सब बोरी में भर के ले आती हूँ छत पर। तो मैं तली में वो बारीक बारीक लकड़ियां, मोटे मोटे डंठल पत्ते, सब जो भी गन्ने चूसने के लिए लाते हैं आप, मूंगफली के छिलके लाते हैं, जो भी ऐसा कचरा है वो नीचे मोटी लेयर भरते हैं। वो साल भर बाद सड़ के मिट्टी को भी फिर से रिचार्ज कर देता है। और ड्रेनेज सिस्टम, तो एक एक जो आपकी शर्त है मिट्टी अच्छी बने, दूसरी आपका पॉट बड़ा हो, तीसरी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो कि उसमें पानी न रुके। चौथी बात है कि सही उन्नत किस्म के बीज। और इन चार बातों के अलावा भी मैं और कुछ बहुत सारी केयर बताने वाली हूँ कि उन्नत किस्म के बीज की जब मैं बात करती हूँ तो आप किसी भी ऑथेंटिक दुकान से, लोकल के मार्केट से आप पहली बार बीज ले आएं। और देसी बीज के हम घर पर बीज बना सकते हैं, हाइब्रिड के घर पर नहीं बना सकते, आपको हर बार रेडीमेड खरीदने होंगे। ऑनलाइन का मैं आपको कोई व्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन खरीदे नहीं, मैं लोकल के मार्केट से लाती हूँ। हमेशा ही बीज अच्छे निकलेंगे ऐसा नहीं है, और हमेशा ही बुरे निकलेंगे ऐसा भी नहीं, ज़्यादातर मेरे बीज अच्छे ही निकलते हैं। मैं अपनी मेरी एक दो दुकानें हैं जो भोपाल के आसपास के पिपलानी में और मिसरौद वगैरह में, जो मेरे नज़दीक पड़ती हैं, मैं उनसे ले आती हूँ। और किसी दूसरे शहर में जाती हूँ तो वहाँ से भी बीज ला के मैं ट्राई करती हूँ। अभी देखो आपने देखा कितनी सारी सब्जियाँ मेरी निकल आई हैं। तो जो मैं जो टिप्स बता रही हूँ वो कारगर हैं, आप बस इन बातों पर भरोसा करके किसी भी आप भुलावे में बहकावे में मत आए। कोई जादू टिप्स आपको नहीं लाना है, मिट्टी अच्छी बनाना है। मैं फिर नहीं रिपीट करूँगी, मैं इस तरह की मेरे मिट्टी पर बहुत वीडियो पड़े हैं, पर मैं आज फिर से आपको बता रही हूँ कि बस मिट्टी पे काम करें, निश्चिंत होकर साधारण तरीके से काम करें। और एक चीज़ और, कीट नियंत्रण पर काम करें। कीट नियंत्रण का देखो क्या होता है, जब हम मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और कीट अटैक होता है लेकिन पौधा उसको झेल जाता है। ऑर्गेनिक तरीके से कोई पेस्टिसाइड नहीं आता, फिर भी मैं आपको नीम ऑयल स्प्रे करने को कहती हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोल करके रखता है। और जैसे मिलीबग वगैरह जो एफिड्स लगते हैं, जिन पत्तों में लगते हैं, मैं उन्हें तोड़ के बाहर फेंक देती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत माइल्ड उसमें हम सर्फ स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सर्फ भी डेंजरस होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पत्ते कुमला जाएंगे, जल भी सकते हैं। तो वो सोच समझ के कि आप सर्फ, अगर एक ड्रॉप लिक्विड वॉश आप स्प्रे कर रहे हैं तो फिर सादा पानी से दोबारा उस पत्ते को धो भी दें। और मैं तो बड़े कीड़े तो मैं तेज स्प्रे गन से सादा पानी से धो देती हूँ, लकड़ी से रगड़ के हटा देती हूँ, और ऐसा मैं रोज ही अपने बगीचे में घूमते हुए कुछ कुछ काम करती हूँ। तो कीड़े होते हैं, थोड़े कम होते हैं, फिर दोबारा होते हैं, फिर थोड़े कम होते हैं, और इनका जीवन चक्र गुजर जाता है। इनका थोड़े दिन का जीवन चक्र होता है, इतने में ये गुजर जाता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मिट्टी पे काम करें, पॉट साइज बढ़ा लें, ड्रेन लेयर अच्छी बनाएं, कीट नियंत्रण इस तरह से करें जैसे मैंने बताया, और अगर बहुत रोगग्रस्त पौधा है तो उखाड़ के दूर फेंक दें, और फिर आप बहुत सारे पौधे लगाएं, इसमें कुछ ज़रूर मरेंगे और कुछ आपको मिलेंगे। कैसा लगे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही ले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी अच्छी नई नई टिप के साथ। फिलहाल आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना अनुभव मुझसे साझा कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।